अपील, पाकिस्तान पर जमाओ भाक। और मामलों पर अध्यादेश, सदन स्थगित होने के बाद और मामलों पर अध्यादेश जारी करने के लिए यह सरकार तैयार हो गई। ऐसे मामलों पर जिनका संबंध वोट बढ़ाने से, वोट बैंक की राजनीति, और जब प्रधानमंत्री से पूछा जाए कि आप निर्णय क्यों नहीं करते, तो उनका उत्तर ये हो कि निर्णय न करना भी एक निर्णय है। तुम साल नहीं देखा। वाकई अटल जी, आप जैसा कभी किसी ने नहीं देखा होगा। कम से कम जो जीवित हैं उन्होंने तो बिल्कुल नहीं देखा होगा। आने वाले वक्त में कौन देखे ना देखे ये हम मैं नहीं कह सकता। 25 दिसंबर यानी आज ही के दिन एक ऐसे शख्स का जन्म हुआ जिसने देश की सियासत में, इतिहास में एक नया अध्याय लिख दिया। एक ऐसा शख्स जिसने सियासत के सारे गुणाभाग ही उलट पुलट कर डाले, अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो 88 बरस के आज हो गए। सियासत में एक सन्यासी की तरह थे कवि। करीब 5 दशकों तक सिर्फ और सिर्फ लोगों के दिलों में राज करते रहे अटल जी। गिरती सेहत ने जब साथ नहीं दिया तो सियासत को अलविदा कह दिया। आज बिग बुलेटिन में हम चर्चा करेंगे अटल जी की विशाल और महान शख्सियत के बारे में। इस मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करेंगे दिनेश शर्मा जी हैं। आप बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, आप लखनऊ के मेयर भी हैं। गोविंद पंत राजू साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप हमारे उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं, आप हमारे रेजिडेंट एडिटर हैं। आप दोनों का स्वागत है। अमिताभ अग्निहोत्री जी रोज की तरह आपके साथ दिल्ली से हमारे साथ मौजूद हैं, आप सभी का बहुत स्वागत है। पच्चीस दिसंबर 1924 को अटल जी का जन्म ग्वालियर के मध्य प्रदेश में हुआ था। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ था। क्या कभी किसी ने सोचा था कि ग्वालियर में जन्मे अटल जी ने एक दिन देश की सत्ता पर वो राज करेंगे। सबसे पहले देखते हैं अटल जी के शुरुआती जीवन के कुछ खट्टे मीठे पल। अटल बिहारी वाजपेयी एक ऐसी शख्सियत जो दिल से कवि थे और दिमाग से नेता। अटल जी के दिल में जो होता था वो जुबान पर भी हुआ करता था। जो गलत लगा उसके खिलाफ हमेशा से ही दहाड़ लगाई, और जो सही लगा उसके पक्ष में खड़े नजर आए। चाहे सत्ता में हो या फिर सत्ता के बाहर, अटल जी ने अपनी आवाज हमेशा से ही बुलंद की। विपक्ष में रहकर जिसे सत्ता का कोई लालच न रहा, और सियासत के शीर्ष पर पहुंचने के बावजूद जिसे अहंकार छू भी न सका। सियासत में एक सन्यासी की तरह ये कवि करीब 5 दशकों तक लोगों के दिलों में राज करता रहा। अटल बिहारी वाजपेयी को लोगों ने सिर आंखों पर सजाया। अटल बिहारी वाजपेयी हमेशा सच के पक्षधर रहे। सच बोलने के लिए उन्होंने किसी की भी परवाह नहीं की। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था। किसने सोचा था कि पिता का श्री कृष्ण अटल बिहारी वाजपेयी और माता श्रीमती कृष्णा देवी के घर जन्मा यह शख्स एक दिन देश की सत्ता पर राज करेगा। अटल जी के पास करीब 40 साल से भी ज्यादा का एक लंबा संसदीय अनुभव है। वो 1957 से सांसद रहे हैं। अटल जी 5वीं, 6ठी और 7वीं लोकसभा, और फिर 10वीं, 11वीं, 12वीं, 13वीं और 14वीं लोकसभा के लिए चुने गए। सन 1962 और 1986 में राज्यसभा के सदस्य भी रहे। अटल जी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से लगातार 5 बार लोकसभा सांसद चुने गए। वो ऐसे अकेले सांसद हैं जो अलग अलग समय पर 4 अलग अलग राज्यों, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश और दिल्ली से निर्वाचित हुए। अटल जी ने ग्वालियर के विक्टोरिया कॉलेज और कानपुर के डीएवी कॉलेज से पढ़ाई की। वाजपेयी ने एमए की डिग्री हासिल की। इसी के साथ ही अटल जी ने
राष्ट्र धर्म, पांचजन्य, स्वदेश और वीर अर्जुन जैसे दैनिक समाचार पत्रों का संपादन भी किया। थोड़े ही दिनों में अटल जी की सियासत में धाक जमने लगी। 1957 में पहली बार यूपी के बलरामपुर से वो लोकसभा की सीट जीतकर संसद पहुंचे। अटल जी जब संसद में बोलते थे तो पूरा सदन मौन होकर सिर्फ अटल जी को सुनता था। राजनीतिक क्षेत्र में जो आपके साथ कंधे से कंधा लगाकर काम कर रहे हैं, इसी देश में मतभेद होंगे, उनके बारे में ये आपका मूल्यांकन है? मतभेदों को प्रकट करने का ये तरीका है? देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भी अटल जी के मुरीद थे। पंडित नेहरू ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि यह शख्स एक दिन देश का प्रधानमंत्री जरूर बनेगा। नेहरू जी की भविष्यवाणी सही साबित हुई और अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री बने। लेकिन पीएम बनने से पहले लंबे वक्त तक अटल जी सरकार पर वार भी करते रहे। तो नेहरू जी की तो भविष्यवाणी सही साबित हो गई। अटल जी ने शपथ ली और देश के प्रधानमंत्री बन गए। सियासी जिंदगी में अटल जी के सामने कई उतार चढ़ाव भी आए जिनका उन्होंने बखूबी मुकाबला किया, डटकर मुकाबला किया और अपने नाम के अनुरूप अटल रहे। अप्रैल 1980 को बीजेपी का गठन हुआ। वाजपेयी पार्टी के अध्यक्ष बने और संसदीय दल के नेता भी। 16 मई 1996 को अटल जी की सरकार आई लेकिन बहुमत न मिलने की वजह से अटल जी को इस्तीफा देना पड़ा। 1998 में फिर से चुनाव हुए। एक बार फिर से जनता की पहली पसंद बने अटल बिहारी वाजपेयी, बहुमत भी मिला। इस बार सत्ता में आने के बाद अटल जी पहले की तरह दहाड़ते नहीं थे। उनका ध्यान इस बार सिर्फ और सिर्फ काम पर था। करीब 13 महीने तक अटल जी की सरकार रही। AIADMK ने सरकार से समर्थन वापस ले लिया। अटल जी की सरकार बहुमत साबित नहीं कर पाई और एक वोट की वजह से अटल जी की सरकार गिर गई। अब तक वाजपेयी सत्ता के गणित को समझ चुके थे, उनको सियासत के दांवपेच समझ आ चुके थे। कब, कैसे और कहां वार करना है, अटल जी को ये बखूबी आता था। बस फिर क्या था, अटल जी ने 24 दलों को इकट्ठा किया और एक राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन बनाया, जो कि एक अनूठा प्रयोग था। पहली बार बीजेपी गठबंधन के साथ मैदान में उतरी और साल 1999 में एनडीए को पूर्ण बहुमत मिला। एक बार फिर अटल जी ने पीएम पद की शपथ ली। अब तक समय बहुत बदल चुका था, परिवर्तन का दौर था, इसलिए अटल जी के सामने कई चुनौतियां थी। कुछ चुनौतियां देश को लेकर तो कुछ पार्टी को लेकर। अटल जी ने आखिरी बार साल 2004 में लोकसभा चुनाव लड़ा और जीते भी। जैसे जैसे समय बदला वैसे वैसे अटल जी की सेहत भी गिरती चली गई। दिसंबर 2005 में अपने पुराने मित्र लाल कृष्ण आडवाणी को सियासत की विरासत सौंप दी और खुद संन्यास ले लिया। अटल जी ने तो संन्यास ले लिया लेकिन सियासत के इस कवि को लंबे अरसे तक कोई भुला नहीं पाएगा। चलिए, अटल जी के जीवन परिचय का मुझे नहीं लगता कि कोई परिचय का मोहताज है, लेकिन तब भी आज हम अटल जी को याद करेंगे। अटल जी के जो जीवन शैली है, जो उनका स्टाइल है, जो उनकी अचीवमेंट्स हैं, जो उनके जीवन के अनछुए पहलू हैं, उन पर चर्चा करेंगे। दिनेश शर्मा जी, मैं चाहूंगा शुरुआत आपसे आप करें, क्योंकि आप उनके संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, आप वहां के मेयर हैं, आप बीजेपी के नुमाइंदे हैं। मैं चाहूंगा कि अटल जी के बारे में कौन सा सबसे यादगार संस्मरण आपको याद है जो आज आप शेयर करना चाहते हैं? देखिए, अटल जी का बहुआयामी व्यक्तित्व था। कम शब्दों में वो इतनी बात कह जाते थे जिसके अर्थ कई दिनों तक लोग लगाते रहते थे। अटल जी जब मिलते थे तो लोगों को लगता था जैसे कोई अपना व्यक्ति अपने से मिल रहा है, और हर व्यक्ति को ये गुमान होता था कि अटल जी मेरे अपने सबसे ज्यादा निकट हैं और मुझे जानते हैं। नाम लेकर बुलाना, बात करना और आंखों में आंख डालते थे तो लगता था कि वो आंखों का आकर्षण अपने अंतर मन में पूरा उतर गया है। अब कोई बात कभी कहें, कोई संदर्भ में मैंने उनको एक बार प्रधानमंत्री बनने से पहले कहा था कि
भारत में युवा नीति बनना चाहिए, युवा आयोग होना चाहिए। प्रधानमंत्री बने और लगभग 1.5 साल बीत गया। अचानक एक दिन उन्होंने मुझे बुलाकर बोला कि तुमने क्या युवा आयोग टाइप की कोई चीज बताई थी, क्या था उसका सार, मुझे एक पन्ने में लिख के दो। एक पन्ने में लिख के दिया और चौथे दिन मुझे अखबारों में पढ़ने को मिला कि भारतीय जनता पार्टी की एनडीए जो सरकार है समर्थित भारतीय जनता पार्टी की, उसके उसमें राष्ट्रीय युवा आयोग बनाने की घोषणा करी और मुझे सौभाग्य मिला कि मैं उसका सदस्य बना। तो अटल जी को एक ऐसा स्मरण शक्ति, लोग बोलते ना उनको जब उसका उपयोग करना होगा उस शब्द का, वो अपने हिसाब से करते थे। कई बार तो ये रहा कि छोटी छोटी घटनाओं को, मुझे मेयर लड़ना है, मेरा नाम भी नहीं कही गया और मैंने कल्पना भी सपने में नहीं करी थी, अचानक फोन मिलता है नामांकन के एक दिन पहले, मैं वाजपेयी बोल रहा हूं और तुम्हें डॉक्टर, तुम्हें चुनाव लड़ना है, मेरे हाथ कांप गए और मैंने बोला कि मैं कैसे लड़ूंगा, कल तो नामांकन है, तुमको चुनाव लड़ना है और जीतना भी है। फोन काटना और खुद उनसे मैंने कहा कि आप स्थानीय निकाय के चुनाव में आएंगे, तो अटल जी पहली बार शायद स्थानीय निकाय चुनाव में मेरे चुनाव में आए और उन्होंने भाषण भी दिया। बड़ा व्यक्तित्व, छोटा शब्दों का प्रयोग, और जो कहा यह जाता है ना कि कोई व्यक्ति अपने शब्दों से किसी के दिल में उतर सकता है और शब्दों के द्वारा किसी के दिल से उतर सकता है, तो मैं यही कहूंगा कि अटल जी अपने शब्द प्रयोग के द्वारा सबके दिलों में उतर गए। हाँ। और हर व्यक्ति में वो ग्राह्य थे, चाहे वो दल का हो या विपक्षी हो, आदर सब उनका करते थे। ठीक है। जब बोलने आते थे तो मैंने उनके देखा है कि बड़े बड़े नेता मफलर बांध के मुंह में और साल उड़कर कोने में खड़े होकर उनके भाषणों को सुनते थे, उसका विश्लेषण करते थे। ठीक है दिनेश जी, ये अटल जी जाहिर तौर पर ये अटल जी का एक चमत्कार है, करिश्मा है। गोविंद जी, मैं जो मुझे याद पड़ता है, जब हम लोग छात्र जीवन में थे तब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को सुना करते थे और जब हम लोग डिबेट कॉम्पिटिशन में जाते थे तो कहीं ना कहीं उनकी नकल करते थे कि वो कैसे हाथ से बोलते हैं। हाँ, जो उनके पॉजेस होते थे उन पॉजेस को कम रखा करते थे, और जो वरना 7 मिनट का और 6 मिनट का शब्द का वक्त जाने कब बीत जाता तो उनको हम लोग नकल किया करते थे। और कई बार, कई दफे ऐसा हुआ कि राष्ट्रीय स्तर पे भी डिबेट चैंपियनशिप जीती हम लोगों ने, जो भाषण प्रतियोगिता है वो जीती, नेशनल चैंपियन बने लगातार। तो अटल जी को जितना भी जानने का, पढ़ने का, समझने का मौका मिला वो इतना शानदार अनुभव था गोविंद जी, और कमोश ऐसा ही अनुभव आपको भी हुआ होगा। हाँ बिल्कुल, जो आपने जो पॉजेस की बात की, मैं एक टेलीविजन पत्रकार के नाते उनके जो पॉजेस थे हम लोगों को बहुत परेशान करते थे, क्योंकि जब लखनऊ में वो आते थे और ये लखनऊ के लिए उनका स्नेह था कि प्रधानमंत्री की हैसियत से वो इतनी बार लखनऊ आए और इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज लखनऊ में होती थी, लेकिन हमेशा हम लोगों को यही सबसे बड़ा संकट रहता था कि उनके एक वाक्य के बीच में 5 या 6 पॉज होते थे और वो उस पॉज के बीच में लगता है कहीं खो जाते थे, कुछ सोचते रहते थे। तो उसकी वजह से हम लोगों को जो टेलीविजन में जो बाइट शब्द है उसके इस्तेमाल के लिए बड़ी दिक्कत होती थी, उनकी जो पूरा एक वाक्य है उसमें से अपने काम की चीज हम कैसे इस्तेमाल करें, ये बड़ा मुश्किल काम होता था। लेकिन उनकी जो सहजता थी, हम लोग एक तरह से मैं कहूं उस दौर में लखनऊ के पत्रकारों ने उनकी सहजता का बहुत हम लोगों ने दुरुपयोग किया, हम लोग बड़े दुस्साहस से एक तरह से उनसे वो लिबर्टी लेते थे जो शायद बाद के दौर में हमने देखा कि मुख्यमंत्रियों से नहीं मिल पाती, मंत्रियों से नहीं मिल पाती, लेकिन वो भारत के प्रधानमंत्री होते हुए उस सहजता को बरकरार रखते थे। हाँ। एक बार उनका गला खराब था, प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और वो बोलने की स्थिति में नहीं थे, लेकिन हम सब लोगों ने आग्रह किया और हम सब लोगों को ये लगा कि शायद जो उनकी मशीनरी है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस को किसी वजह से टालना चाहती है, लेकिन जब हम सब लोगों का आग्रह हुआ तो वो अपनी उतनी खराब जो उनकी गले की हालत थी उस हालत में हम लोगों के सामने आए और उन्होंने बहुत अस्पष्ट शब्दों में कुछ कहा और ये कहा कि मैं आज बोल नहीं सकता, मुझे माफ करिए। तो इतनी सहजता भारत के प्रधानमंत्री के लिए, जिस देश में आज हम एक प्रधानमंत्री देखते हैं जिसको इतनी बड़ी जो घटना दिल्ली में हुई उस पर प्रतिक्रिया जाहिर करने में इतना वक्त लगता है और वो प्रतिक्रिया एक पिता की तरह वो जाहिर करता है, भारत के प्रधानमंत्री की तरह नहीं, वही वाजपेयी उन्होंने कारगिल के बाद मुशर्रफ को बुलाकर बातचीत करने की इतनी बड़ी सहज हृदयता दिखाई थी। तो मुझे लगता है कि उनका व्यक्तित्व बड़ा विराट है और एक प्रधानमंत्री के तौर पर एक अगर पत्रकार की हैसियत से मैं कहूं तो जितनी सहजता और जितनी आसानी से कठिन सवालों का वो जवाब दे देते थे, बहुत विरल मुझे लगता है ये जी। बात अमिताभ अग्निहोत्री जी, मुझे एक और वाक्य याद है, खैर अब आपने तो उनके उनके साथ उस वक्त को जिया है, आप उनके साथ लंबे लंबे वक्त बिताए हैं आपने, मुझे सिर्फ एक वाक्य याद है जब वो नेता प्रतिपक्ष थे और यूएन में भेजे गए थे
भारतीय सरकार और भारत के बारे में हिंदी में जो उन्होंने व्याख्यान दिया, उससे उस वक्त के प्रधानमंत्री जी ये जरूर शुक्र मना रहे होंगे, राहत महसूस कर रहे होंगे कि देखो नेता प्रतिपक्ष जो है वो यूएन में जाकर सरकार की तारीफ कर रहे हैं। लेकिन जो उन्होंने बोला, काल के कपाल पर हमने